आपने एक FIR दर्ज कराई है, क्या मामला है? ये आप पर हमला हुआ, मीडिया पर हमला हुआ। देखिए, कल हम कुछ पत्रकार लोग खड़े थे कचहरी रामपुर में, आते ऐसे रूटीन में खड़े होते, ऐसे कल खड़े थे करीब 12-1 बजे की बात है कि पता चला कि जो 25,000 का नामी बदमाश है उसे या तो पुलिस ने बोर्ड से पकड़ा है या कैसे 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 पकड़ा है या पेश किया है उसको लेकर हम लोगों को जानकारी मिली। हम लोग तुरंत भागे, उसकी कवर करने लगे तो साजिद पासवान ने बदतमीजी शुरू कर दी और उसके बाद ही उसके साथ जो गुर्गे थे उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी, मोबाइल छीन लिए, गाली गलौज करने लगे, हाथा पाइप उतर आए, बड़ी मुश्किल से मोबाइल भी मिला काम करके और बोले पत्रकारों को हम तो खरीद लेते हैं, पत्रकार 500 रुपये बिकते हैं, पुलिस बिकी हुई है, तुम क्या करोगे, खबर चलाओगे तुम्हें, तुम लोग साथ जो होगा तुम सोच भी सकते, मतलब इससे बहुत सारा अपमान करा। और वहीं उसी के मद्देनजर आज हमने कल कप्तान साहब को बताया भी था तो रामपुर SP ने पत्रकारों का आज एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला भी था, रामपुर SP ने मेरी तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज कराया, शाजी पासा और उसके जो गुर्गे हैं जो उसके साथ के लोग हैं जिन्होंने कल बदतमीजी की थी, एक उवेद हैं इसका मोबाइल भी टूट गया था कल और दिवाकर गौर थे वहाँ पर, शुएब सद्दीकी थे और मैं था, हम 4-5 लोग पत्रकार थे जिनसे बहुत बदतमीजी की है। कप्तान साहब ने मामला को गंभीरता से लेते हुए क्योंकि साजिद पासा पर अपहरण का पाशको जैसा मुकदमा, रेप जैसा मुकदमा दर्ज है और उसके बाद देखिए हिम्मत देखिए कि पुलिस वहाँ मौजूद थी और पुलिस के सामने सारा खेल हो रहा था तो कप्तान साहब ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरी तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज कराया थाना सिविल लाइन्स रामपुर।